सोहेल उतारो इसके कपड़े, इसको ऐसा ब्लैकमेल करेंगे, जमीन ये तो क्या इसका बाप भी बेचेगा। जी मैडम। खेत तो बहुत अच्छा है, वो रहा किसान। हाँ जी बोलिए। ये तुम्हारा ही खेत है? जी हाँ ये मेरा ही खेत है। क्यों क्या हुआ? यहाँ के सारे किसानों ने अपनी जमीन बेच दी है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा, यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनेंगी, तुम यहाँ खेती करके क्या करोगे? मैडम मैं ये जमीन नहीं बेच सकता, ये मेरे पुरखों की निशानी है। वैसे भी मैडम इस जमीन से मेरा घर चलता है। घर चलता है तभी तो हम पैसे दे रहे हैं, आप कहीं और जमीन खरीद लेना। मैंने आपको बताया ना ये मेरे पुरखों की जमीन है, मैं इसे नहीं बेच सकता। अगर मैं इसके दुगने दाम दूं तो? अरे मैडम अगर आप मुझे इसका 4 गुना ज्यादा दाम भी देंगी ना तब भी मैं ये जमीन आपको नहीं बेचूंगा। मैम कहा था ना मैंने ये किसान बहुत अड़ियल है, ये अपनी जमीन हमें नहीं बेचेगा। सोहेल ये जरूर मानेगा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसे टेढ़ी करना पड़ता है। तो समझ गए ना पूरा प्लान? यस मैडम मैं समझ गया पूरा प्लान। तो जाओ फिर। सुनो तुम ये जमीन नहीं बेचना चाहते ना, मुझे सिर्फ वो ट्यूबवेल वाला एरिया बस दे दो तुम। मैडम मैंने आपसे कहा था कि ये मेरे पुरखों वाली जमीन है, मैं इसे आपको नहीं बेच सकता। अगर तुमने मुझे वो एरिया नहीं बेचा ना तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, एक टुकड़ा भी नहीं बेचूंगा। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। कह रहा था तू जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेचेगा, तू तो क्या तेरा बाप भी अब जमीन बेचेगा। मतलब सोहेल वीडियो दिखाओ उसे। सोहेल उतारो इसके कपड़े, इसको ऐसा ब्लैकमेल करेंगे, जमीन ये तो क्या इसका बाप भी बेचेगा। जी मैडम। अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो ये ले पकड़ पेपर और साइन कर। एक वीडियो मेरे पास भी है, ये क्या बकवास है? लगता है ये जेल जाकर ही मानेगा। जेल में नहीं, जेल तो तुम लोग जाओगे। ये देखो अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाता हूँ इनकी। सोहेल उतारो इसके कपड़े, इसको ऐसा ब्लैकमेल करेंगे, जमीन ये तो क्या इसका बाप भी बेचेगा। भाई भाई देखो एक लड़का और लड़की तुम्हारे संग क्या कर रही थी, देखो।
क्या हो गया मैडम? अरे गलत करने से पहले एक बार सोच लिया करो, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अब जा रहा हूँ यहाँ से कि पुलिस को बुलाऊं?